बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, उर्फी जवेद का कहना है कि इस्लाम में म्यूज़िक सुनना हराम है, लेकिन सारे मुसलमान यही कहते हैं कि इस्लाम में म्यूज़िक सुनना गलत बात है। लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि इस्लाम में म्यूज़िक सुनना क्यों हराम है। तो आइए जानते हैं इस क्यों का जवाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कि म्यूज़िक सुनना इस्लाम में क्यों हराम है। इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। इस्लाम में म्यूज़िक नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्यों? आई वांट टू नो व्हाई, देयर इज नो रीज़न फॉर इट। बस हराम है, क्यों हराम? आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग म्यूज़िक इन द होली कुरान। इज इट मेंशनड एनीवेयर इन द होली कुरान दैट लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई एम नॉट सेइंग वॉचिंग म्यूज़िक, बट लिसनिंग टू म्यूज़िक इज हराम? एंड इफ इट इज़ सो, मिस्टर बिस्मिल्लाह खान एक मशहूर फनकार हैं, ही हैज़ एन आर्ग्यूमेंट विद समवन दैट लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ वेरी सोलफुल एंड रिलैक्सिंग टू द सोल। सो इफ़ यू कुड प्लीज़ डिफेंड और हैव एन आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस, दैट हाउ इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक हराम? थैंक यू वेरी मच। बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूज़िक हराम है? कुरान में लिखा है अतीउल्लाह अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है कोई, साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ, डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पर लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल, मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार क्या है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से, देयर इज म्यूजिक थेरेपी आल्सो। कुरान में एक सूरह शोरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, भेग जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी आराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का, अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी आराम है, ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी आराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार अजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे है, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते हैं अक्सर क्या होता है, म्यूजिक के अंदर एक इंसान भेग जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, या हम जानते हैं सही नहीं है तो भी हम गुनगुनाते, वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के कौन लेके आ सकता है? हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है लेकिन फिर भी गुनगुनाते, नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते, घर के बाहर बोंगा लगा है 1 2 3 है, क्या 1 2 3, नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है, सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। आईटी स्टूडेंट,
आई एम डूइंग आईटी इंजीनियरिंग फ्रॉम VJTI. एक्चुअली देर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज़ सैयद इमरान, एंड ही टोल्ड मी दैट म्यूजिक इज प्रोहिबिटेड. सो आई थिंक दैट इट इज़ द वेरी प्लीजेंट थिंग, बट वाई इट इज़ नॉट अलाउड. भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूज़िक हराम है, तो म्यूज़िक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, सिर्फ डफ के अलावा. डफ के अलावा सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूज़िक आपको खुदा से दूर लेके जाती है. आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊँगा, क्या मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं नहीं. फिर भी हम उसको गुनगुनाते. आज के पिक्चर के गाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूज़िक साथ रहती है तो आपका जहन भटकने लगता है. इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज़ लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है, वो चीज़ जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाज़त है. तो इनमें से एक चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. इवन द डफ कैन बी यूज. भाई साहब ने पूछा कि डफ क्यों अलाउड है, क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे. हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज़ आपको बहका सकती है. तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है. होप द आंसर. मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग मूवीज. इज इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूजिक? मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूजिक सुनती हूँ, क्या जायज़ है कहने? क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने? कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है. क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में, उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चैरिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में. आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पर भी आ सकते. लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूजिक सुनना अलाउड है कहने, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ, डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं. तो इस पस मंजर के, हदीस के पस मंजर में म्यूजिक सुनना सही बात नहीं है. लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूजिक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है, और मूवी, वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज है. टीवी देखना नाजायज नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज देखना, उरियानगी, ऑब्सेनिटी, ये देखना हराम है. लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते हैं, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते हैं, तो वो गलत नहीं है. तो गलत चीज देखना हराम है, अच्छी चीज पिक्चर पे देखना जायज है, जो चीज शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज देखना जायज है, जो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.